और इधर हरियाणा में स्कूल्स के मुद्दे पर सियासी घमासान मच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट करके मनोहर सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने ट्वीट कर कहा, प्रदेश की बीजेपी और जेजेपी सरकार स्कूल्स को बंद करने के और गांव-गांव में नशे के अड्डे खोलने की नीति पर आगे बढ़ रही है। इस सरकार का मकसद शिक्षा के बजाय नशे को बढ़ावा देने का है। प्रदेश में जिस तेजी से नशे का साम्राज्य फैल रहा है, उससे स्पष्ट है कि सरकार इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। एक के बाद एक ट्वीट कर हुड्डा ने नशे के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश भर में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए सर्वे करवा रही है, जबकि उसे सबसे पहले नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इस काले साम्राज्य पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार की विफलता का खामियाजा युवा पीढ़ी और उसके परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा है। आज हरियाणा का युवा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है और इसी हताशा के चलते वो नशे और अपराध के चंगुल में फंस रहा है। NCERB के ताजा आंकड़े बताते हैं कि क्राइम रेट के हिसाब से हरियाणा बड़े बड़े राज्यों से कहीं आगे निकल चुका है। आंकड़े जो दर्शाए गए हैं, उन आंकड़ों की बात करें तो बेरोजगारी में प्रदेश काफी आगे निकल चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट करके आरोप लगाया।